नेपाल के एनजीओ, और क्या सेवा आप जो जिस सेवा भाव से आप काम कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस संस्था के लिए मतलब एज एन आर्टिस्ट इनके अवार्ड शो में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन एनजीओ से अब मेरा जो जुड़ने का अभियान बना वो अभी इस लॉकडाउन में बहुत सारी संस्थाएँ बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन सबके काम करने का तरीका और इनके काम करने का तरीका मैं ज़मीन आसमान का फर्क था। इनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो मैंने कई लोगों को देखा, जैसे अब यहाँ पर हमारे बीच में मैडम है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं वो दिल सेवा भाव के उससे आ रहे हैं, उन्हें तस्वीर नहीं खिंचानी, उन्हें फ़ोटो नहीं चाहिए, उन्हें बस ये चाहिए कि बस आर्टिस्टों की मदद हो। और ये तो कहने के लिए है कि सिर्फ कलाकारों को फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करें, कलाकारों के अलावा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कोई भी ये दरबार से खाली हाथ नहीं जा रहा है। ये दादा साहब फाल्के का दरबार नहीं है, साईं बाबा का दरबार लग रहा है कि यहाँ से कोई भी आ रहा है खाली हाथ नहीं जा रहा है, सबको सेवा भाव, सबको मदद, सबकी सहायता की जा रही है।